वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है न्यू फैशन। तो आज की इस वीडियो में मैंने स्पेशल ऑर्गेन्जा सूट ऐड किए हैं जो कि बहुत खूबसूरत, स्टाइलिश और फैशनेबल भी हैं। जी हाँ, जिन सिस्टर्स को नहीं पता कि ऑर्गेन्जा सूट कैसे होते हैं, कैसे स्टिच होते हैं, उनका फैब्रिक कैसा होता है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्गेन्जा सूट जो होते हैं उनका फैब्रिक टिशू फैब्रिक होता है। आपने सुना होगा ना, टिशू वाला फैब्रिक जो होता है उसको हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं। जैसे कि आपने कोई कपड़ा देखा होगा, देखिए इसमें देख लीजिए, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है। ये कागज की तरह सा इसका जो फैब्रिक होता है वो पतला सा फैब्रिक होता है बहुत ज्यादा, और है ना कागज की फॉर्म टाइप में होता है, लाइक मतलब उसके सिमिलर उसमें मिलता जुलता होता है, वैसा कागज का नहीं होता है बट वैसा था। तो उस फैब्रिक को जो है हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक कहते हैं, और टिशू वाला कपड़ा या टिशू वाला फैब्रिक भी बोल सकते हैं। तो मैंने वो वाले सूट ऐड किए हैं क्योंकि वो अभी काफी फैशन में चल रहे हैं। मैं भी उसका बहुत प्यारा सूट लेकर आई थी उसी फैब्रिक का। तो इस फैब्रिक में एक मेन जो बात होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो चीज़ अगर आपने मिस कर दी या फिर इस तरीके से नहीं सिलवाया तो आपके सूट में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो उसमें क्या वो है जो मैं बात बताने वाली, वो ये है कि जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक होता है ना उसके अंदर हमें मोस्टली ज़्यादातर गर्ल्स क्या करती हैं, अलग तरीके का जो अस्तर होता है वो यूज़ कर लेती हैं। जो अंदर का अस्तर होता है वो हमेशा याद रखिएगा, उसका अंदर का अस्तर प्योर कॉटन होता है ना वो वाला होना चाहिए। रेशमिन वाला अगर आपने उसके अंदर रख लिया तो वो आपके सूट को फिट नहीं बैठेगा और उसका एक लुक जो होगा ना वो परफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो अगर जब भी आप ऑर्गेन्जा सूट वाला बनवाएं, कोई भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाला सूट बनवाएं, तो उसके अंदर का जो अस्तर होना चाहिए वो प्योर कॉटन का होना चाहिए, ताकि जब सूट बने तो उसका लुक बहुत प्यारा आए। जैसे कि आप देख रहे हैं इन सब में जितने भी अस्तर लगे हुए हैं वो सब के सब कॉटन है, और जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। और देखिए इस तरह इन्होंने कितना प्यारा लुक दिया है, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं ऑर्गेन्जा वाले सूट। वो दिखने में ना रॉयल टाइप लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कीमती और बहुत ही प्यारे सूट लगते हैं। तो जितने भी वीडियोस में मैंने ऐड किए हैं सारे के सारे उसी फैब्रिक में सूट हैं। आप आइडिया ले सकती हैं अगर आप सिलवाना चाहती हैं या बाहर से स्टिच करवाना चाहती हैं, खुद सीना जानती हैं या फिर परचेज करना चाहती हैं, ऑनलाइन लेना चाहती हैं, तो इसमें से आप देख सकती हैं कि कौन सा कलर आपको पहले पसंद आ रहा है। क्योंकि हम वीडियो देखकर यही फ़ायदा होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ जी ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है और ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो हमें आइडियाज़ अगर मिल जाते हैं ना तो वो चीज़ परचेज करने में ईजी होता है। ये सूट मुझे काफ़ी अच्छा लगा पहनने के बाद, और भी इसका अच्छा लुक आ रहा है, साथ में पर्स भी दिया, तो ये सूट मुझे अच्छा लगा। आपको कौन सा लगा मुझे बताइएगा। और सब्सक्राइब।